कैसे हो आप? आज आपको लेकर आए हैं हरियाणा के एक पशु मेले पर, और यहाँ पर जो है बढ़िया बढ़िया जो भैंस हैं भैंसे हैं वो आए हुए हैं, और 3 दिन तक जो ये है यहाँ पर वो चल रहा है मेला, और आज है यहाँ का लास्ट डे, और आपको जो है यहाँ का सैर करवाते हैं। ये बना जी चैंपियन, तीसरी चैंपियन एनिमल उनका शोज हासिल किया है, पैसे पड़ता ताड़ी मार दो भाई, बिल्कुल ब्रीड चैंपियन भी है और बेस्ट एनिमल उनका शो भी है फीमेल में। ये देखिएगा जिस तरीके का जो सीन है बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बढ़िया बढ़िया है। ये जो स्कूटी इनको मिली है यहाँ पे, और ये मेले का जो सीन रहता है उधर जो है इनाम है वो मिल रहे हैं, और ये मेले का फाइनल जो है टाइम है वो आ चुका है। सभी जो है अपने अपने पशुओं को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, और इनको मिली है बढ़िया बढ़िया सी स्कूटी, और ये यहाँ पे चला रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जो है वैसा है, ये कहाँ से आया जी? ये हासू गांव सिरसा जिला से आया हुआ है, और इसको क्या मतलब कि इनाम वगैरह मिला इसको? नहीं, इसको रैंक से बाहर निकाल दिया। क्या हुआ रीजन, क्या बोल रहे हैं, किस वजह से? भाई कोई वजह भी नहीं बता रहे, कोई वजह बताई नहीं गई ना, बच्चे को बाहर निकाल दिया, हमसे पहले इसको ही बोला इसको बाहर निकालो। देखने में तो ये देखिए आप बढ़िया है, मतलब कि कितना है जी? 23 करोड़। पिछले साल पुष्कर मेले में इसको 23 करोड़ रुपया लगा था इनाम इसका। अच्छा, हाँ जी, ये देखिए जी 23 करोड़ का है। 3 बार ये चैंपियनशिप जीत चुका है, अभी इसको बाहर निकाल दिया ना। इसमें हमें कमी तो बताएं, बच्चे हमारे बच्चे में क्या कमी है? कितनी उम्र का है? 8 साल का जी। कितना मतलब देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही। सुबह उस जोटे को पहले बाहर निकाल दिया, अभी ये काम का नहीं है, अभी ये उसकी नस्ल वखरी दुआओ कोई और है, अभी इसको बाहर निकाल दिया, उसको फास्ट निकाल दिया। पहले 4 दांत में बोले भी ये नीली डावी है। अच्छा जी, बाज बुलों को जब दोबारा डल्ट बुलों का चला रिंग में तो उसको फर्स्ट निकाल दिया, वो मूरा बना दिया। फिर पहले नीली रावी था वो 4 दांत में, मूरा नस्ल का नहीं है वो। पहले जय डॉक्टर कह रहे थे मूरा नहीं है, जय नीली रावी है, तो भाई साहब नहीं पूछा जब भूल बंदा आप नीली रावी था सब तो आपके मेरे को एक पैसे होगा ये मूरा हुआ है तो मूरा नस्ल है ये मूरा है खास कोई नाम नहीं दिया ना जी ना बाहर निकाल दिया। ये देखिए ये जो है 23 करोड़ का जो इस पे इनाम है वो लग चुका है, और फिर भी जो इन्होंने इसको नहीं बेचा इस जोटे को, और इसका जो है पुष्कर मेले में भी काफ़ी जो है वो मिला था इसको प्राइज वगैरह इनाम,
यहाँ पर इसको कोई भी जो इनाम है वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है नाराजगी है इनकी। सिरसा से जो ये आए हुए हैं, ये देखिए इस जोटे को मिला है इनाम, तो ये है इनके मालिक, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ जी, ये हाँ जी, कहाँ से आए हुए हो आप? बागड़ू। बागड़ू गांव से आए हुए हो, तो क्या इनाम मिला इसको? सिक्स्थ पोजीशन आई है, पांचवी पोजीशन आई है। अच्छा जी, मुर्रा में भाई, प्योर मुर्रा है, प्योर मुर्रा में। हाँ, और भाई ये तो ठीक है ना, सुल्तान का बेटा है, सुल्तान का जो 3 साल 1 महीने का हो गया भाई। अच्छा जी, इसकी माँ में 32 किलो दूध है भाई। अच्छा जी, हाँ, 30 साल ब्याज का है। कितना मतलब के रेट वगैरह लग रहा है इस पर? रेट वही पे 35 लाख भी लग रहा है। 35 लाख रुपए लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? 35 लाख। तो क्या खुश हो आप, या और कोई पोजीशन बढ़िया आती तो और अच्छा रहता भाई? इस पोजीशन में खुश नहीं है। खुश नहीं है मतलब के क्या लगा आपको के थोड़ा भाई जमा है नहीं? अरे मतलब कि कोई कमी नहीं है वहाँ एक, उस तरफ भी वो है, उनकी भी नाराजगी है कि भाई 23 करोड़ रुपए उस पर लगा लिए हैं उन्होंने और कोई इनाम नहीं मिला है। यहाँ पर भी आपके भी जो 5th पोजीशन आई है इसकी, ये तो हमने एंट्री फीस दे रखी थी भाई 2000 रुपए। एंट्री फीस दी हुई थी आपने? 2000 रुपये इनाम दिया इसको। 2000 रुपये मिले हैं। हाँ मतलब क्या 2000 तो आने जाने में लग जाते हो? हाँ, कितना खर्चा हो जाता है एक एनिमल को? बहुत ज्यादा इसको आपको खिलाना? 8-10 हजार महीने का मेले मेले में आने का 10,000 रुपए खर्चा है। लग गए भाई, फालतू लग गया हो जाते है। और इसको खिलाने पिलाने में कितना क्या खर्च हो जाता है भाई? महीने का हो जाता है 10 से 15-12। क्या क्या खिलाते हो जिसको भाई? सेब वाले, सेब भी खिलाते हैं भाई। सेब आजकल इंसानों को नहीं मिलते रहा है भाई, मिल रही है 50 किलो मिलना रही, 1.5 से 2 किलो मिलना है। तो बहुत मेहनत से आपने जो है पाला है इसको। चलो जी, दुख होता होगा जब इतना जो है मेहनत के बाद भी कोई बढ़िया पोजीशन नहीं आती होगी। क्या इनाम मिला है जिसको? स्कूटी, ये स्कूटी है जी। स्कूटी मिली है जी, ये वाली बढ़िया जी। क्या मेले का चैंपियन रहा जी? पूरे मेले का चैंपियन है, देख लीजिए। कहाँ से आए जी आप? गांव चिचड़ाना पानीपत से आए हुए हैं, और ये देख लीजिए, ये है इनका जोटा। ट्रॉफी ट्रॉफी मिल गई जो इसका बनना था, वो मिल गया। एक स्कूटी मिली भाई, ये बढ़िया जी, बढ़िया से। कहाँ से आए हुए जी आप? डिडवाड़ी से आए हुए जी। ये है जी आपका जोटा। हाँ जी, बढ़िया। बताओ जी फिर आपने दंगल में उतारा था या इसको? नहीं, इसको ब्यूटी शो दिखाने के लिए इसने लाए हैं। दिखाने के लिए लेके आए? कई बार चैंपियन रह चुका है। अच्छा जी, ये मेरा अपना करवाया था। ठीक है जी, और इसको फर्स्ट राउंड में कोई नहीं रोक सकता था। अच्छा जी, फिर एक हमने सोचा कि खुद ही तो मेला करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुद ही इनाम ले जाएंगे, तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए लगा। अच्छा जी, मेला कैसा रहा जी? मेला बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा जी, बढ़िया निष्पक्ष मेला रहा बिल्कुल। यहाँ पे जी कुछ नाराजगी भी थी? नहीं, जो हारता है नाराजगी तो करता है। हाँ जी, मतलब कि वो बोल रहे थे कि जी 23 करोड़ का नहीं, तो उनका जो अपने अपने भाव है। लगभग 11 साल उम्र बताई डॉक्टर ने। अच्छा जी, 11 डॉक्टर ने उनकी पूरी वो चेक की? 11 साल उम्र बताई। अच्छा, एक दांत टूट रहा, दो तीसरे हैं वो भी टूट जाएंगे। अच्छा जी, और उनका व्यवहार भी? उसने खुद अपने आप ये कहा रिंग में, अगर मैं 6 बार उतार चुका हूँ, 6 बार आप इसको बाहर निकाल चुके हो, कुछ कमी है तभी तो बाहर निकाला है। तो प्रॉपर उसकी जांच हुई, डॉक्टर वगैरह थे, उन्होंने दांत वगैरह चेक करे, डॉक्टर ने जब उसमें कमी लागे तभी तो निकाल रहे बार बार। बिल्कुल, अब वो राजस्थान के डॉक्टर, उनको नहीं पता होगा, उनको ज्ञान नहीं होगा उस बात का। मुर्रा ने सलाह हरियाणा की। अच्छा, हरियाणा के डॉक्टर को पता भी लगा ना, राजस्थान के डॉक्टर को थोड़ी पता मिलेगा। बिल्कुल, दूसरी नस्ल है, उनको क्या पता मुर्रा के बारे में?
जो डॉक्टर है उसके बारे में डॉक्टरों ने ज्ञान उन्हें ज्ञान होता है बिल्कुल, और डॉक्टर का फैसला मान्य नहीं हुआ है। अच्छा जी, इनके ऊपर में गुजरत हुआ है, इनको ज्ञान नहीं होता है। शायद मैं तो अपने पशु को ये देख लीजिए आए हुए हैं बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मेले में कुछ की नाराजगी रही मैनेजमेंट के साथ और कुछ ने जो इनाम पाया यहाँ पर। और ये देख लीजिए ये भी ले सकते हो आप मेले में अपने जानवरों के लिए।